विद स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 1 जुलाई 2021 और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम गंगेस सिक्योरिटीज़ के स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इस स्टॉक में हमें आने वाले दिनों में किस तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती है। सबसे पहले एक हम ओवरव्यू लेते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। तो अगर आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर के जो रिज़ल्ट आए हुए हैं कंपेयर दैन प्रीवियस क्वार्टर, तो यहाँ पर हमें रेवेन्यू, नेट इनकम, ईपीएस, नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑपरेटिंग इनकम, इनमें हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। कैश इन हैंड एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इसमें सिर्फ इंक्रीज हुआ है। अब अगर हम एनुअल परफॉर्मेंस को देखेंगे तो अभी भी कंपनी का जो एनुअल परफॉर्मेंस है वो एक अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यहाँ पर प्ले आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलेंगे हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए चार्ट की ओर, क्योंकि ट्रेडिंग अगर हमें करना है तो टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। अब जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये डेली चार्ट है गंगेस सिक्योरिटीज़ का और इस डेली चार्ट पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 2 हाइज़ को कनेक्ट करके एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर ली है और 2 लोस को कनेक्ट करके अगर इस चार्ट को छोटा कर दें तो इस लोस को एंड इस लोस को कनेक्ट करके यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ कर लिए। उसी के साथ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक ब्लू कलर का रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ की लेके 73 रुपीज़ का है और ये एक डेली डिमांड जोन है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखेंगे तो प्राइस यहाँ से अप गया, इसने 95 के एक हाई प्राइस पे ट्रेड किया और लास्ट 3 डेज़ पे यहाँ पे अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बना और उसके बाद प्राइस जो है उसने डाउन साइड ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अभी भी अगर हम देखेंगे तो 80 रुपीज़ का जो लो है वो ऑन अ डेली बेसिस पे ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये चीज़ को समझने के लिए अब हम चलेंगे वीकली चार्ट पे और वीकली चार्ट को मैं छोटा कर देता हूँ। तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो प्राइस एक्शन है इसको अब हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। यहाँ पे देखिए जब प्राइस नीचे आ रहा था तो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग थी और ये जो गैप है वो एक रेजिस्टेंस, एक सप्लाई की तरह प्ले आउट होती है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा था कि गैप को किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो ये जो गैप है आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से लगभग 87 रुपीज़ से लेकर तो एक छोटी सी गैप है यहाँ पे 86 1 या 2 रुपीज़ की गैप है और प्राइस नीचे आने के बाद एक फिर से पेनिट्रेशन हुआ था, बट ऑन अ वीकली बेसिस पे किसी भी प्रकार का हमें उसमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिला। अब चार्ट पे हम रिसेंट जो प्राइस एक्शन है उसकी तरफ चलेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ किस तरीके के यहाँ पे जो पैटर्न्स है वो बनते हुए नज़र आए। अगर आप देखेंगे तो ये जो 1 रुपीज़ का जो गैप था 87-86 रुपीज़ का, तो ऑन अ वीकली बेसिस पे लास्ट वीक में पूरा पेनिट्रेशन हुआ, बट हमें इस वीक में प्राइस जो है वो ऊपरी लेवल से अच्छा खासा सेलिंग हमें यहाँ पर आता हुआ नज़र आया। अब चलते हम फिर से डेली चार्ट पे और डेली चार्ट को अगर हम गौर से समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो गैप था इस गैप ने इस तरीके से रोल प्ले आउट किया है कि इस गैप के ऊपर ऑन डेली बेसिस पे किसी भी प्रकार का कैंडल इन लास्ट 4 डेज़ के ट्रेडिंग सेशन में क्लोज नहीं हुआ। और लोअर टाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और उसी ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ डाउन साइड और प्राइस लगभग नीचे आ सकता है 70 रुपीज़ के आसपास। जैसे ही ये जो लोज है 80 रुपीज़ का ब्रेक होता है ऑन ए डेली बेसिस पे, तो प्राइस लगभग 70 रुपीज़ पे आएगा। अगर आप स्विंग ट्रेडर्स है या पोजिशनल ट्रेडर्स है या आपने यहाँ पर कहीं पर एंट्री ली है इस इनसाइड बार पैटर्न पे, तो आपका जो पोजीशन है उसको यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं 70 रुपीज़ के आसपास। और इमीडिएट बेसिस पे अगर हम टारगेट की बात करेंगे ऐसे स्विंग ट्रेडिंग की, तो लगभग मुझे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 100 रुपीज़ का जो टारगेट है इस स्टॉक में आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये था गंगेस सिक्योरिटीज़ का टेक्निकल एनालिसिस। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल के कॉन्टेंट पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि आप हमारे साथ जुड़कर एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे लिंक भी मिल जाएगा और जस्ट अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज्वाइन बटन दिखेगा, ज्वाइन बटन पे आपको क्लिक करना है और ज्वाइन बटन पे क्लिक करने के बाद आप जिस तरीके से ट्रेड को प्रेफर करते हैं जैसे कि इंट्राडे ट्रेड, तो इसका जो आपको कॉस्ट आएगा वो है ओनली 59 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप स्विंग ट्रेड को प्रीफर करते हैं तो इसका कॉस्टिंग आएगा आपको ओनली 89 रुपीज़ पर मंथ। और आप इंट्राडे, स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड, इन तीनों ट्रेड को प्रीफर करते हैं तो आपको कॉस्ट आएगा 199 पर मंथ।